सत्यम शिवम सुंदरम 1978 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन राज कपूर ने किया और जैनेन्द्र जैन ने इसे लिखा, जिसमें शशि कपूर और जीनत अमान ने अभिनय किया। फिल्म का मूल साउंडट्रैक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित था। सत्यम शिवम सुंदरम 24 मार्च 1978 को होली वाले दिन रिलीज की गई थी। यह फिल्म प्रतिष्ठित गायक मुकेश को समर्पित थी, जिन्होंने कई फिल्मों में राज कपूर को अपनी आवाज़ दी थी। फिल्म की रिलीज के 2 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका अंतिम रिकॉर्ड गाना इसी फिल्म का हिस्सा है। अपनी पुस्तक राज कपूर स्पीक्स में ऋतु नंदा ने खुलासा किया कि लता मंगेशकर फिल्म के पीछे की प्रेरणा थी और वह उन्हें फिल्म में लेना चाहते थे। राज कपूर की तरफ से किताब में लिखा गया है कि मैंने एक ऐसे आदमी की कहानी की कल्पना की जो एक साधारण चेहरे वाली लेकिन सुनहरी आवाज़ वाली महिला के प्यार में पड़ जाता है और मैं लता मंगेशकर को इस भूमिका में लेना चाहता था। जिन तमान को भूमिका में लेने से पहले हेमा मालिनी, डिंपल कपाडिया, विद्या सिन्हा को भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म में कामुक सामग्री और शरीर के प्रदर्शन के कारण इनकार कर दिया। शशि कपूर से पहले यह फिल्म राजेश खन्ना को ऑफर हुई थी, पर बाद में राज कपूर ने शशि कपूर को फिल्म में लेने का मन बनाया। जीना तमान ने एक सीन में एक पारदर्शी गीली सफ़ेद साड़ी पहनी थी, जिसके कारण सेंसर बोर्ड ने इसको ए सर्टिफिकेट दिया था, यानी कि सिर्फ अडल्ट व्यक्ति ही इस फिल्म को देख सकते हैं। कुमार गौरव, यानी कि जो राजेंद्र कुमार के बेटे थे, उन्होंने इस फिल्म में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था, जिन्हें मनोज कुमार के नाम से श्रेय मिला था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म में संगीत दिया, जिसके कारण फिल्म को फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। लता मंगेशकर ने फिल्म में मुख्य थीम सॉन्ग सत्यम शिवम सुंदरम को अपनी आवाज़ दी थी। भारत और अमेरिका के हाल फिलहाल के म्यूजिक ग्रुपों जैसे थिएवरी कॉरपोरेशन और शीला चंद्रा ने फिल्म के थीम सॉन्ग को फिर से बनाया था। इसके अलावा गीत कई तरीके से भी रूपांतरित किया गया था, क्योंकि इसके बेसिक गाने को एक भजन के रूप में लिया जाता था, लेकिन लता मंगेशकर ने भांगड़ा जैसे संस्करण भी बनाए हैं। गीत चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल लोकप्रिय गायक मुकेश का अंतिम गीत था जो कि इस फिल्म में था, जिसकी रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। राज कपूर ने फिल्म उन्हें ही समर्पित की थी। मुख्य थीम सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के समय लता मंगेशकर इस बात पर नाराज़ हो गई थी कि चुने गए संगीत निर्देशक उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर थे, लेकिन रातों रात उनकी जगह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दे दी गई। उन्होंने बताया कि वह रिकॉर्डिंग के लिए आई थीं और थोड़ी देर तक गाने का अभ्यास किया, गुस्से में एक बार में ही पूरा गाना रिकॉर्ड करके वहाँ से चली गई। यह उनका एक ऐसा गाना था जिसे 30 मिनट से ज़्यादा समय में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। फिल्म में न्यूडिटी को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। हिमाचल प्रदेश के लक्ष्मण नामक व्यक्ति ने अश्लीलता के आधार पर और ऐसी सामग्री के साथ धार्मिक शीर्षक को जोड़ने के लिए इसकी रिलीज के समय चुनौती दी थी। फिल्म के माध्यम से अश्लीलता को बढ़ावा देने के लिए निर्देशक राज कपूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत ने संज्ञान लिया और कपूर को समन भेजा, यानी कि नोटिस भेजा। कपूर ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष नोटिस को चुनौती दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया। फिर कपूर ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने कपूर के तर्क में योग्यता पाई और इस मुकदमे को बंद करने का फैसला सुनाया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि एक बार सिनेमेटोग्राफर अधिनियम की धारा 5A के तहत प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद फिल्म निर्माता को भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के तहत संरक्षण प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी काम अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कानून द्वारा न्योचित है या जो तथ्य गलती के कारण और न कि कानून की गलती के कारण सद्भावनापूर्ण ऐसा करने में खुद को कानून द्वारा न्योचित मानता है। न्यायमूर्ति अय्यर ने अंतिम लाइन में कहा था कि सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो अपने सार्वजनिक कर्तव्य के प्रति सजग रहे और फिल्म को पूरी देखे और जहाँ भी उसे लगे कि वाकई आपत्ति है उस पर रोक लगाए, और ये भी साथ में कहा कि प्रगतिशील कला को रोकने का अधिकार सेंसर बोर्ड के पास नहीं है, इसलिए कला की अभिव्यक्ति पर भी रोक नहीं लगनी चाहिए।
आप हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि क्या सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म आपने देखी और आपको ठीक लगी, क्या सेंसर बोर्ड को इस पे एक्शन लेना चाहिए था और राज कपूर पे जो आरोप लगे थे कि इस फिल्म में अश्लीलता फैलाई गई है वो कहां तक सही है, कि क्या कभी ऐसा भी होता है कि प्रगतिशील कला के नाम पर सेंसर बोर्ड हमें खुद सर्टिफिकेट देता है कि कुछ भी दिखाइए। कमेंट कर बताएं जरूर, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।